नमस्कार, आपका स्वागत है। हथेलियों को देखकर भविष्य बताने की कला आज भी भारतवर्ष में लोकप्रिय है। इन रेखाओं से व्यक्ति के व्यक्तित्व का व्यवहार के साथ साथ उसके भविष्य की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, साथ ही व्यक्ति के संबंधित कुछ राज की बातें भी पता की जा सकती है। हाथों की रेखा ही नहीं बल्कि हाथों का आकार, उंगलियों की लंबाई, हाथ की बनावट, हाथ में पाए जाने वाले प्रमुख चिन्ह, हाथों पर तिल इत्यादि बहुत सी बातों द्वारा हम व्यक्ति के विषय में जान सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम हाथ के कुछ प्रमुख रेखाओं के बारे में बताएंगे और हथेलियों की रेखाओं को मिलकर चंद्रमा बनने का क्या रहस्य है, तो चलिए जान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पहली बात, हस्त सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार दोनों हाथों में से एक हाथ ज़्यादा सक्रिय होता है। इसके अनुसार स्त्रियों का बायां हाथ और पुरुषों का दायां हाथ ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इसलिए इसके अनुसार महिलाओं का बायां हाथ देखकर और पुरुषों का दायां हाथ देखकर भविष्य को बताया जाता है। हमारे हाथों में कुछ प्रमुख रेखाएं होती हैं जो अन्य रेखाओं के मुकाबले ज़्यादा गहरी होती हैं और बिल्कुल साफ दिखाई देती है। आयु रेखा यानी कि जीवन रेखा, धन रेखा जिसे भाग्य रेखा भी कहा जाता है, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और सूर्य रेखा, इनके अलावा कुछ छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण रेखाएं होती हैं जिनमें हमारे भविष्य से जुड़ी कुछ बातें छिपी हुई हैं। जीवन रेखा से हमारे आयु एवं आरोग्य का पता चलता है, साथ ही भविष्य में होने वाली दुर्घटनाएं, रोगों का पता चलता है। हमें इसी रेखा से पता चलता है कि जीवन में उतार चढ़ाव होना भी इसी रेखा से हमें पता चल जाता है। मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा वह होती है जो जीवन रेखा एवं हृदय रेखा के बीच होती है। मस्तिष्क रेखा से व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, चातुर्य और कल्पना शक्ति का पता चलता है। मस्तिष्क रेखा से हम यह जान सकते हैं कि व्यक्ति कुटिल है, कपटी है या फिर दयालु स्वभाव का है। मस्तिष्क रेखा देखकर ही अच्छे जीवन साथी का चुनाव किया जा सकता है। भाग्य रेखा या धन रेखा, जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि इस रेखा से आर्थिक स्थिति, नौकरी या व्यापार का पता चलता है। भाग्य रेखा हथेली के नीचे से शनि पर्वत की ओर जाती है। इस रेखा से मनुष्य की भावनाएं, माया, ममता, प्रेम व काम के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। व्यक्ति कितना भावना प्रधान है, इसके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, वह इस रेखा से पता चल सकता है। सूर्य रेखा, सूर्य रेखा हर व्यक्ति के हाथ में नहीं होती, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र में सूर्य रेखा जिसे रवि रेखा भी कहते हैं, इसका होना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। जिन व्यक्तियों की हथेलियों में सूर्य रेखा होती है वह लोकप्रिय प्रसिद्ध होते हैं। बड़े बड़े प्रसिद्ध व्यक्तियों के हाथों में सूर्य रेखा अवश्य होती है। आइए हम जानते हैं कि हमारी हथेली में बनने वाली रेखाओं से चंद्रमा का क्या महत्व है। जब हम दोनों हाथों को जोड़ते हैं तो हमारे हाथों की हृदय रेखाएं, जो कि हमारी सबसे छोटी उंगली के नीचे होती है, एक दूसरे से जुड़कर चंद्राकार आकृति बनाती है। लेकिन इस चंद्र के भी अलग अलग रूप होते हैं जो हमारे जीवन पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कई लोगों की हथेलियों को जोड़ने पर भी चंद्रमा नहीं बनता, तो चलिए जानते हैं इसके विषय में। पहला प्रकार, जिन लोगों की हथेलियों को जोड़कर चंद्रमा बनता है तो ये एक शुभ संकेत होता है। ऐसे लोग बहुत ही आकर्षक एवं सुंदर होते हैं। इनका स्वभाव बहुत ही आकर्षक होता है और ये अपने स्वभाव से लोगों को बहुत जल्दी आकर्षित कर लेते हैं। अपने जीवन साथी से बहुत प्रेम करने वाले होते हैं, उनकी खुशी के लिए सब कुछ कुर्बान भी कर देते हैं। किसी भी नकारात्मक परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाए रहते हैं। लोगों की बुद्धि बड़ी तीव्र होती है, यह बातों को बड़ी जल्दी समझते हैं और यह साहसी प्रवृत्ति के होते हैं। इन लोगों में लीडर बनने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन इन लोगों की एक कमजोरी भी होती है, गुस्सा इन्हें बहुत जल्दी आता है। जिन लोगों की हथेलियों में हृदय रेखा एक सीधी लाइन में होती है, उन लोगों की हथेलियों में आधा चांद नहीं बनता। ऐसे व्यक्ति शांत एवं सरल स्वभाव के होते हैं, साथ ही इन लोगों को बहुत ही भावुक माना जाता है। यह लोग जल्दी ही दुखी हो जाते हैं। इनके स्वभाव में आक्रामकता और जल्दबाजी नहीं होती। इन्हें कोई भी काम धीरे से करना पसंद नहीं होता और इन्हें किसी भी वाद विवाद में पड़ना पसंद नहीं होता। तीसरा प्रकार, कई लोगों की दोनों हाथों की हृदय रेखाएं कई बार कटी होती हैं या आपस में नहीं मिलती या फिर बहुत आड़ी टेढ़ी होती। ऐसे लोग अपने विचारों को बहुत अधिक महत्वपूर्ण एवं योग्य मानते हैं। यह अपनी सोच को बहुत अच्छा मानते हैं। इन्हें दूसरों की सोच एवं विचार से कोई मतलब नहीं होता। यह लोग स्वभाव से बेफिक्र होते हैं और अपनी
ये मस्ती में जीते हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं। ऐसे लोगों की अपने से अधिक उम्र के लोगों के साथ ज़्यादा बनती है। तो दोस्तों, यह थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमारी हथेलियों की रेखाओं के बारे में। क्या आपकी हथेली में भी इनमें से कोई रेखा बन रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा दें, ताकि आपके पास नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। धन्यवाद।